हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद चौरसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं इम्पोर्टेंट यानी बेसिक ट्रेनिंग के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि हमारी बेसिक ट्रेनिंग इस बार किस किस ट्रेनिंग सेंटर में और कहां पे जा रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो जो अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल से देख पा रहे हैं कि पूरे बिहार में इस बार 12,695 कॉन्स्टेबल को ट्रेनिंग करना है। इसमें से बिहार पुलिस के 9,741 और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 2,954 पुलिसकर्मी ट्रेनिंग में भाग लेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस बार पूरे बिहार में 17 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। और कौन सी ट्रेनिंग सेंटर में जिला लेवल ट्रेनिंग करेंगे या कौन सी ट्रेनिंग सेंटर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवान ट्रेनिंग करेंगे, तो दोस्तों मैं इसे विधि बतानी नंबर वाइज करके बताता हूँ। सबसे पहले बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 3 बोधगया में 1250 जिला पुलिस महिला कांस्टेबल को जाना है। नंबर 2, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 7 कटिहार में 1000 जिला महिला कांस्टेबल को जाना है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 8 बेगूसराय में 417 महिला कांस्टेबल जिला बल को आना है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 14 पटना 500 महिला कांस्टेबल जिला बल को आना है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 16 पटना 500 महिला कांस्टेबल जिला बल को आना है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस महिला वाहिनी सासाराम 500 महिला कांस्टेबल जिला बल को आना है। कुल मिलाकर जिला बल महिला कांस्टेबल 4167 इस बार ट्रेनिंग प्राप्त करना है। और मैं बता देता हूं कि जिला पुलिस पुरुष की ट्रेनिंग सेंटर कहां कहां है। तो नंबर 1, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 4 डुमराव में 800 पुलिसकर्मी को ट्रेनिंग करना है। नंबर 2, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 11 जमुई 300 पुलिसकर्मी को ट्रेनिंग करनी है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 12 सुपौल 800 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करनी है। वैशाली जिला 500 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करनी है। गया जिला 300 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करनी है। भोजपुर जिला 374 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करनी है। मुजफ्फरपुर जिला 500 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करनी है। बेगूसराय जिला 500 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करनी है। मोतिहारी जिला 500 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करनी है। सीटीएस नाथनगर भागलपुर 1000 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करनी है। यानी 5574 जिला बल पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करना है। तो अब चलते हैं दोस्तों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की जवानों की तरफ, जो कि वो कौन कौन सी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की महिला कांस्टेबल बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 3 बोधगया में 1250 पुलिसकर्मी जाकर ट्रेनिंग करेंगे। नंबर 2, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस महिला वाहिनी सासाराम 338 पुलिसकर्मियों ने जाकर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर 1588 महिला कांस्टेबल ने ट्रेनिंग में भाग लेंगे। और अब अंत में मैं बता देता हूं कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस पुरुष जवानों की ट्रेनिंग सेंटर, तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 7 कटिहार 1000 पुलिसकर्मियों ने ट्रेनिंग प्राप्त करने जाएंगे। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 9 जमालपुर 366 पुलिसकर्मियों ने ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए जाना है। यानी टोटल 1366 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जान चुके हैं कि
आप लोगों को ट्रेनिंग करने किस ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, कहाँ जाना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।